हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। अगर किसी कपल का फिजिकल कॉन्टेक्ट सेफ डे में हुआ है बट फिर भी उसका पीरियड अभी तक नहीं आया है तो उसे अब क्या करना चाहिए। व्यूअर्स, हमने पिछले वीडियोस में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस को जरूर देखें, जिससे कि आपको सेफ और अनसेफ डे की पूरी जानकारी मिल जाएगी। वेल, इसके साथ साथ एक चीज और कहना चाहूंगा कि थैंक्स अ लॉट हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए और चैनल को ढेर सारी ग्रोथ देने के लिए। व्यूअर्स, अगर किसी कपल का जो कॉन्टेक्ट है वो सेफ डे में हुआ है और उसके बाद भी उसका कोई पीरियड नहीं आया है तो सबसे पहला सजेशन भी ये है कि अब आपको वेट करना है। अननेसेसरी किसी टैबलेट के बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज माइट बी पॉसिबल कि बहुत सारी अदर कंडीशंस भी होती हैं जिसकी वजह से पीरियड लेट हो जाते हैं। बेसिकली अगर कोई चीज के बारे में ज्यादा सोचा है या घर का माहौल चेंज हो गया है, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ गया है या कहीं ट्रैवल या कुछ और बीच में किया है तो उसकी वजह से भी पीरियड लेट हो जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, ये बहुत ही नॉर्मल है ऐसा होना। और इसमें जहां तक डेज की बात होती है तो जो एक्सपेक्टेड डेट होती है हमारे पीरियड आने की आगे की, उससे लगभग 7-8 दिन भी आगे बढ़ सकते हैं, वो भी नॉर्मल माने जाते हैं कुछ कंडीशंस की वजह से। तो पहले तो आपको उतने दिन तक वेट करना है कि जो एक्सपेक्टेड डेट है आने की, उससे 7-8 दिन तक आप वेट करिए और तब तक हो सकता है पीरियड आ जाए। इसीलिए आपको तुरंत टैबलेट के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि आपको ये कंफर्म करना है कि जिस दिन पीरियड आता है उससे आने जो फर्स्ट डे ऑफ पीरियड होता है उससे आपके जो आगे के जो 7-8 दिन होते हैं उन दिनों में अगर आपने कॉन्टेक्ट किया है वो बिल्कुल सेफ डे हैं, और जो पीरियड का फर्स्ट डे है यानी जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होती है उससे जो 20वां दिन होता है आगे का, उससे आपने नेक्स्ट पीरियड तक अगर कॉन्टेक्ट किया है तो वो भी सेफ डे होते हैं। तो अगर इनमें आपने कॉन्टेक्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि वो सेफ डे हैं और उसमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। लेकिन ये होता है कभी कभी कि वो जो पीरियड का जो ड्यूरेशन होता है पूरा, वो कभी कभी चेंज हो जाता है और उसमें जो हम सेफ डे मानते हैं वो कभी कभी अनसेफ हो जाते हैं। लेकिन वो तो बात की बात है, उस बारे में सोचना, पहले आपको यही सोचना है कि अगर आपने सेफ डे के अकॉर्डिंग आपने कॉन्टेक्ट किया है तो आपको अभी वेट करना है। इसके साथ साथ कुछ घरेलू उपाय भी हैं जिन्हें आप इसके साथ अपना सकते हैं, और उसमें है कि या तो अजवाइन या फिर जीरा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ को आपको एक चम्मच लेना है और उसको बॉयल करना है पानी में, और वो पानी लगभग आधा ग्लास होना चाहिए और उसको दिन भर में आप थोड़ा थोड़ा करके पियेंगे। नेक्स्ट डे के लिए आप नया फिर एक चम्मच उबालेंगे और उसको पियेंगे। बस 2 दिन काफ़ी है, उसके बाद जो एक्सपेक्टेड डेट है उस पर पीरियड आपका आ जाएगा, या फिर जो भी 2-4 दिन लेट है तो उस पर आपका आ जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं आता है तब हम फिर टैबलेट्स के बारे में सोचेंगे और फिर हम भी यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो वेल, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो अभी परेशान ना हो, पहले एक्सपेक्टेड डेट आने दें और उसके बाद ही इस बारे में कोई डिसीजन लें। तो ये दोनों चीज़ें पहले आप अपनाइए, और नेक्स्ट अगर इससे भी बात नहीं बनती तो नेक्स्ट हम दूसरे ऑप्शंस के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।